अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पीके मेगा एंटरटेनमेंट की एक और वीडियो में खुशामदी। दोस्तों, पेरिस फ्रांस में क्लासरूम में गुस्ताखाना खाके दिखाने वाले उस्ताद को एक नौजवान ने जन्म वासिल कर दिया। ये वाकया 16 अक्टूबर जुम्मे की शाम 5 बजे का है। फ्रांस के दारुल हकूमत पेरिस के शुमाल मगरबी इलाके में स्कूल के बाहर पेश आया, जहाँ पर एक नौजवान ने तारीख के उस्ताद को इस हरकत पर जहन्नम वासिल कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस्ताद ने क्लास में आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके दिखाए और साथ ही इस पर बहस भी कराई। फ्रांसी टेररिज्म प्रोसिक्यूटर ने बताया कि पुलिस ने नौजवान को जाए वकू के करीब ही गोली मार कर हलाक कर दिया था, और जबकि इसके साथ रहने वाले कई अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। और दूसरी जानिब अदालती जराए के हवाले से कहा गया है कि 18 साला नौजवान का ताल्लुक चीशनिया से था। हुकाम ने बताया कि मारे गए 47 साला उस्ताद का नाम सिमवल पार्टी है, ताहम चीचन नौजवान की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। दूसरी जानिब फ्रांसी सदर एमेनुअल मैक्रोन ने इस वाकिये को दहशत गर्दी करार दिया है, और चंद घंटों बाद ही वजीरे आजम के साथ स्कूल का दौरा भी किया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों फ्रांसीसी मैगजीन चार्ली हेब्डो ने भी एक बार फिर तोहीन नमेज खाके नुमाया किए थे। मैगजीन के जानिब से शाया किए गए तोहीन नमेज खाके वही हैं जिनके रद्द अमल में 7 जनवरी 2015 को इस मैगजीन पर हमला किया गया था। दोस्तों, इसके रसूल की खातिर फ्रांसी जितनी भी मसनुआत हैं उनसे बायकॉट करें। फ्रांसी मसनुआत की कुछ तस्वीरें आगे शाया कर दी जा रही हैं। तो दोस्तों, आज के लिए पीके मेगा एंटरटेनमेंट की तरफ से इतना ही। कमेंट में अपनी राय देना मत भूलें और हमारे चैनल पीके मेगा एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।